खुदरा व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पर पाबंदी लगाने सहित जीएसटी में और अधिक संशोधन किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया, जिसका नेतृत्व प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष मदन लाल गुप्ता ने किया। ज्ञापन सौंपने आए व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर खुदरा व्यापार में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी तो खुदरा व्यापारी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष मदन लाल गुप्ता ने कहा, इसी से संबंधित जीएसटी में बहुत से हम लोगों की मांगों को उन्होंने जो है माना है और मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं इसके लिए मैं उनको जो है बधाई देता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो उसके अंदर जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए इस ज्ञापन के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया है। साथ ही आयकर के बारे में जो व्यापारियों का स्लिप है उस मदन लाल गुप्ता, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के जिलाध्यक्ष। प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर ऑनलाइन ट्रेडिंग जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है उसको रोकने के लिए व्यापार मंडल ने आज ज्ञापन दिया है नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जीएसटी से संबंधित जो व्यापार मंडल के अधिकांश मांगों को उन्होंने मांगा इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई भी देता हूं, लेकिन वर्तमान में जो उसके अंदर विसंगतियां हैं उसके संदर्भ में ज्ञापन के माध्यम से उनको मैंने आज अवगत कराया हूं। और साथ ही आयकर में जो छूट की सीमा है उसको 2.5 लाख से बढ़ा करके उसको 6 लाख करने की और जो रेट का स्लेब है उसको घटाने की मांग की और किया है व्यापार मंडल ने।